चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, राघव ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/5 पर खरीदा और उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास सीपी क्रय मूल्य है और ये मेरे पास में एसपी है, अगर एसपी मान लूँ कि मेरे पास में 15 रुपये है, यानी कि विक्रय मूल्य जो उसका 15 रुपये है, तो उसने उसका 13/15 पे क्या होगा, उसे खरीदा होगा, तो यानी कि 13 रुपये में उसने खरीदा होगा। यानी अब मुझे मिल गया क्रय मूल्य 13 है और विक्रय मूल्य मेरे पास में 15 है। ये मैंने कहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये एसपी 15 है तो इसका 13/15 निकालूंगा तो सीपी की वैल्यू मेरे को 13 मिल जाएगी। अब एग्जामिनर कह रहा है कि उसे 12% अधिक मूल्य बेच दिया, यानी कि 15 को मैंने 12% अधिक, यानी कि 112 बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो 5 3 15 और 5 2 10 इससे काटूंगा तो 10, ये 2 5 10, 2 6 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 130 रुपये उसका सीपी होगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 3 18, 5 3 15 116, 168 रुपये। यानी 130 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 168 रुपये में। इन दोनों का अंतर जो आएगा, अंतर कितना आएगा आपका, आपका 38 रुपये, 38 बटे में कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 130 इंटू में 100 करेंगे, इससे ये गया आपका तो 38 और 0 ये आ जाएगा आपका, डिवाइड बाय करेंगे 13 से तो 13 2 26 हो जाएगा आपका 2 1 0, 13 निम्न 117 तो बचेगा 3 3 बचेगा तो 29, 3/13% का उसे प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।